फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था वेस्पर थेरी को वेस्पर थेरी स्टूडेंट्स याद रखिएगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करती है स्टूडेंट्स वेस्पर थेरी नहीं बताती कि आपका कुवलन बॉन्ड कैसे बनता है या उसकी नेचर को डिस्कस नहीं करती तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे थेरीज ऑफ कुन बॉन्डिंग को और उसको शेप से रिलेट करेंगे स्टूडेंट्स थेरीज ऑफ कवलन बॉन्डिंग में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द वैलेंस बॉन्ड थेरी स्टूडेंट्स द वैलेंस बॉन्ड थेरी नाम से एविडेंट है कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डील करें यानी कि जो आपकी वैलेंस शेल हैं उनको डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स हीटलर और लंडन ने इस थेरी को पुट फॉरवर्ड किया था विच सेस कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड वेन पार्शली फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटॉल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद द पार्शली फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटॉल ऑफ द अदर यानी कि दो पार्शली फिल्ड अटोमिक ऑर्बिटॉल्स मिल के कुवलेंट बॉन्ड बनाते हैं यानी कि स्टूडेंट्स आपको वेलेंस बॉन्ड थेरी बता रही है कि आपका कूवलन बॉन्ड बनता कैसे है और एज अ रिजल्ट जो ओवरलैपिंग होती है उसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक डिपिक्शन आप देख सकते हैं कि आपके पास एस ऑर्बिटॉल कैसे ओवरलैप कर रहा है इसको फर्दर स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स पॉस्टुलेट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थेरी में हम ये देखेंगे कि स्टूडेंट्स एक बात आप याद रखेंगे कि हमेशा पार्शली फिल्ड ऑर्बिटॉल्स यहाँ पे एस ऑर्बिटॉल्स को हम रिलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि एस ऑर्बिटॉल सफेरिकल होते हैं इन शेप तो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं ओवरलैपिंग हो रही है ओवरलैपिंग हो रही है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ और ओवरलैप होकर आपके पास एक कुवलेंट बॉन्ड बन रहा है कुवलेंट बॉन्ड इस फॉर्म स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो सबसे पहला किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ओवरलैप होता है या जो कुलन बॉन्ड बनता है वो लीनियर ओवरलैप के थ्रू बनता है जबकि दीगर जितने भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं वो साइड साइड वाइज ओवरलैप के थ्रू बनते हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक बात हम याद रखेंगे कि एक सिमेट्रिकल ओवरलैप होता है जैसे कि अभी मैं बता रही थी और एक अनसिमेट्रिकल ओवरलैप होता है और स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा ओवरलैप होता है ऑर्बिटॉल्स के दरमियान उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको ब्रेक करने में स्टूडेंट्स हमेशा फर्स्ट ओवरलैप से सिंगल बॉन्ड बनेगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे और हमेशा स्टूडेंट्स साइड वाइज ओवरलैप से सेकेंड बॉन्ड जो बनेगा और उससे आगे जितने बॉन्ड्स बनेंगे उनको हम पाए बॉन्ड्स बोलेंगे जो कि साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैप से बनेंगे स्टूडेंट्स इसमें हम ये बात भी याद रखेंगे एक तो बा, बात हो गई ओवरलैपिंग की उसके बाद हो गई कि सिमेट्रिकल होती है और अनसिमेट्रिकल होती है अबाउट द एक्सिस उसके बाद हमने मल्टीपल बॉन्ड्स को डिस्कस किया आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ ओवरलैपिंग हमारे पास कौन से दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं हम देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे पहला बॉन्ड बनता है एज अ रिज़ल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैपिंग उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड एनी फर्स्ट बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म बिटवीन टू इक्वली फिल्ड या टू पार्शली फिल्ड अटामिकर्बिटॉल्स इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स हम हमेशा याद रखेंगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ लीनियर ओवरलैप जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड और स्टूडेंट्स इसमें एक बात आप याद रखेंगे कि जिस एरिया में जिस रीजन में ओवरलैपिंग हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन उस पोर्शन में मैक्सिमम है और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर लीनियर ओवरलैप हो रहा है तो जो लाइन उस ओवरलैप को ज्वाइन कर रही है उस लीनियर ओवरलैप को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एक्सेस उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एक्सिस यानी कि अलीनियर लाइन अ लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लाइस कॉल्ड एस बॉन्ड एक्सिस जिसको हम पोस्टुलेट्स में भी डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका सिग्मा बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द बॉन्ड एक्सिस प्रेजेंट है इसमें आपको तीन तरह के ओवरलैप्स नज़र आएंगे एक एस एस ऑर्बिटॉल का ओवरलैप है एक एस पी ऑर्बिटॉल का ओवरलैप है स्टूडेंट्स पी ऑरबिटॉल्स की शेप से आप फेमिलियर हैं कि अलोंग द एक्स एक्सिस आप उन्हें कैसे लिखते हैं वाई और जी एक्सिस में आप कैसे ड्रॉ करते हैं ये हमने चैप्टर नंबर टू में डिस्कस किया था तो इसमें तीनों तरह के ओवरलैप हैं एस और पी ओवरलैप कैसा है इसके अंदर वो आपने देखा इसके बाद पी और पी ओवरलैप कैसे स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और दूसरा ये कोई भी फर्स्ट बॉन्ड जो मॉलिक्यूल में बन रहा है, students, है। forward, students, होता है स्टूडेंट्स उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स दूसरी तरह का बॉन्ड होता है पाए बॉन्ड पाई बॉन्ड स्टूडेंट्स इज द बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू ऑलरेडी सिग्मा बॉन्डेड एटम्स यानी कि पहले से उस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जो दूसरा बॉन्ड बनता है यानी कि आगे से जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो साइड वाइज ओवरलैप के थ्रू बनता है ऑफ टू हाफ फिल्ड पी अटोमिक ऑरबिटॉल्स आर पैरल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे अनसिमेट्रिकल होती है अनलाइक टू दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती है,

प्रॉबिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होती यानी कि ज़ीरो होती है और जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां होती है वहां पे प्रॉबिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है यानी कि अबव और बिलो द बॉन्ड एक्सेस यानी कि चार डेंसिटी के यहाँ पे दो रीजनस बन जाते हैं स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस फ्री रोटेशन पॉसिबल है यानी कि स्पेस के अंदर अगर दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है तो वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं जबकि जब पाई बॉन्ड बनता है तो देयर इज़ नो फ्री रोटेशन एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपने देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे भी एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाए बॉन्ड आपके पास फ्री रोटेशन नहीं होती इन स्पेस एज अ रिजल्ट आपके पास सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं जिनको आप फर्दर केमिस्ट्री में भी डिस्कस करेंगे पार्ट टू के अंदर तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पाए और सिग्मा बॉन्ड को अगर कंपेयर करें तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू पाए बॉन्ड पाए बॉन्ड डिफ्यूज होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड और स्टूडेंट्स ये नोडल प्लेन वाली बात आप याद रखें